नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार महिलाएं और जो पुरुष हैं वो हमारे माध्यम से जुड़ रहे हैं और छात्र भी डेरा सच्चा सौदा के जो हैं वो भी जुड़ते हैं और उनका यही कहना होता है कि डेरा सच्चा सौदा में या वहाँ के स्कूल में हमारे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। आज ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ जुड़े हैं, जानते हैं आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच और क्या है वहाँ का माहौल। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? सुवीर सिंह जी। सर, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कब से आप मतलब जुड़े हो, कितने वर्ष हो गए? 1983 से जुड़े हैं जी। सर 1983 मतलब एक कह दो कि आपने आधी से ज्यादा उम्र डेरा सच्चा सौदा में जाने में लगा दी, आते जाते रहे हो। तो क्या आपने कभी कुछ गलत होते हुए देखा? असि कुछ नहीं गलत होंगे देखा जी अज तक इन्ने साल दरबार आने जाने सेवा भी करते हैं, ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ। ਸਰ ਆਪਕਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪੇ ਕਿਤਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਸਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਦਿਆ ਮੇਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ। सर आप कहते हो कि इतना विश्वास है गुरु पे, मगर वहीं जो मीडिया है वो एलिगेशंस लगाती है एक के बाद एक, हेडलाइंस जो है बिना सबूत लाती है, उसके बारे में क्या कहोगे? वो सब झूठ है जी। ਇਹਦੇ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਸਰ ਆਪਕੀ ਮਾਤਾ ਬਹਿਨੇ ਔਰ ਜੈਸੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਕੀ ਵੋ ਜਾਤੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਕੀ ਜੋ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਪਰਸੈਂਟ? ਬਹੁਤ ਸੇਫਟੀ ਹੈ ਜੀ। सर गुरुजी ने समाज के लिए क्या किया है? बहुत काम करे जी गुरुजी ने समाज के लिए। सर वैश्यावृत्ति आज देश की जो बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, उसको रोकने के लिए गुरुजी ने क्या क्या कदम उठाए? उन्होंने रोकने वास्ते जी बहुत कुछ किया भी रहे ने, जो मेहर वरसी साहब ने समझाया, आख्या वेख्या सारी साध संगत नु, माड़ा काम किसी ने नहीं करना जी। सर गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सब झूठे जी, असि तो अज तक कुछ नहीं देखा, गुरुजी के साथ ही रहते रहे हैं, कोई ये जी गल वेखी नहीं, ना मुंह सुनी कदी। सर गुरुजी ने देश की इस आर्मी के लिए क्या किया है आज तक? आर्मी वास्ते जी ब्लड दान का संदेश दिता, सारी साध संगत नूं वध तों वध ब्लड दान करो, असी भी करते रहे जी, 5-7 बार ब्लड दान करया जी। सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स का एक नाम आया था मीडिया के अंतर्गत, काफी सुर्खियों में रहा था, तो ये किस तरीके की फोर्स है और क्या क्या कार्य करती है, इसका निर्माण क्यों किया गया? इसका निर्माण ता करया जी सब नू फायदा होवे, जिथे कोई दिक्कत आवे उथे जावे, ग्रीन वेल फोर्स जांदी है जी, सेवा करदी आ। क्या सर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो है किसी सेवा मानवता भलाई की सेवा करने के लिए किसी तरीके के रुपए लेती? कोई तनख्वाह नहीं लेंदी जी, कोई पैसा नहीं लिया जाता, ना दरबार से लिया जाता जी, ना कोई अपने सेवादार लेंदे जी। सर जो लड़कियां रास्ते में फेंक दी जाती हैं, बहुत आपने देखे होंगे कि जो लड़कियों को मतलब एक तरीके से अभिशाप माना जाता है, और कई लड़कियां सारी नहीं मगर कुछ लड़कियां कहीं कहीं पड़ी होती हैं, मिल आपको न्यूज में भी दिखाया होगा, तो उन लड़कियों के लिए गुरु जी ने क्या किया? बच्चियाँ जो छोटी छोटी फेंक दी जाती हैं उन्होंने वास्ते गुरु जी ने यह आख्या जी, सब भी बच्चे जिस दे बच्चा है नहीं वो दिता जाता, वो सेवा करता जी, संभाल करता जी बच्चे की, पालता जी। सर गुरु जी सत्संग में किस तरीके की बुराइयाँ छुड़वाते थे? गुरु जी सत्संग जी बहुत बुराइया छुड़ाते जी, जिमें शराब नहीं पीना, मास अंडा नहीं खाना, पराई स्त्री भैन भरा समझना पैण, इस तरह दी गल्लां दसदे जी। सर क्या लगता है समाज को गुरु जी की जरूरत है आज? हाँ जी, समाज नूं बहुत गुरु जी की जरूरत है जी, वध तों वध लोड़ है जी समाज नूं। सर क्यों जरूरत है? जरूरत इस करके जी, नशा वरती जा रही होगी इहदा करके, फिर जी इत्थे हुंदे दा करे इन्नी नशा वरती होनी नहीं सी जी। सर सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार तो यही अपील है जल्दी तो जल्दी गुरु जी नूं छड्या जावे, भलाई दे काम वध तों वध दुबारा शुरू हो जाण जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा इनकी भी जो महिलाएं हैं फैमिलीज की मतलब जो महिलाएं हैं वो भी डेरा सच्चा सौदा जाती रही हैं, उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, ना ही इनके साथ कुछ गलत हुआ, और गुरुजी ने वो जो छोटी छोटी बच्चियां थी
उनको भी अपनी एक लड़की मतलब एक परिवार मान के उनको पाला और इतना बड़ा किया, बहुत बड़ी बात है लड़कियों के लिए इतना करना, उसके बाद भी जो एलिगेशंस है वो लड़कियों के लिए ही लगना, क्या ये इंसाफ है? जनता इसका जो जवाब है वो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। लड़कियों के लिए इतना करने के बावजूद एक संत पे ऐसे एलिगेशंस लगे तो सोचिए जो सजा है वो आपको मिल रही है या उस संत को। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।